सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज ये है हमारा पार्ट 3 प्रभास के स्केच के ट्यूटोरियल का। सो मैं इसमें आपको सिखाऊंगा कि हम लोग हाफ हेयर कैसे बनाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको हेयर ईयर इयरिंग और नेक बनाना सिखाऊंगा। सो गाइज मैंने बाद में देखा था कि अगर मैं वो सब बनाऊंगा तो वो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं आपको इस वीडियो में हेयर की थोड़ी बहुत शेडिंग, ईयर्स और इयरिंग सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फुल हेयर और नेक करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तो हम लोग मास्किंग टेप लगा लेते हैं ताकि हमारी शीट उड़े ना। सो गाइस हमने मास्किंग टेप लगा ली। सो अब हम लोग मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि हमें कौन कौन सी पेंसिल का काम होगा। सो हम लोग पहले देख लेते हैं हमें कौन कौन सी पेंसिल का काम होगा। सो गाइस जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए हमें सबसे पहले हो सकता है काम 8B पेंसिल का। हमारे पास 9B पेंसिल नहीं है। 9B पेंसिल अगर है, अगर आपके पास 9B पेंसिल वो बेटर रहेगा। या तो आप 8B यूज़ कर सकते हैं या तो आप 10B भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास 10B पेंसिल भी है। सो आप वो दोनों देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे 4B पेंसिल। गाइस थोड़ा सा ब्लर हो रहा है स्क्रीन। 4B पेंसिल एंड देन हम लोग यूज़ करेंगे 6B पेंसिल। उसके बाद हमें यूज करनी है HB पेंसिल। सो गाइज मेरे पास 2H पेंसिल तो है नहीं, तो मैं HB को ही लाइट ना लाइट पावर में यूज करके करूंगा 2H पेंसिल की जगह से। सो ये हो गया हमारा, कर लेंगे हमारा स्केच को स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम लोग लेंगे स्केच को स्टार्ट। सो गाइज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, आपके पास अगर 2H पेंसिल है, मेरे पास अभी मुझे एक पेंसिल मिली है, ये पेंसिल थोड़ी सी लाइट है 2HB पेंसिल से, बट ये 2H पेंसिल का काम कर देगी। सो हम लोग सबसे पहले हम लोग लेंगे HB पेंसिल। HB पेंसिल से जैसे हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन लिंक की फ़ोटो में देख सकते हैं, हमारा जो हेयर्स हैं वो हमारे ऐसे जा रहे हैं। सो एक बार हम लोग एक डायरेक्शन बना लेंगे हेयर्स का, ताकि हमें पता चले कि हेयर्स का डायरेक्शन किस साइड जा रही है। ये हमें ईज पड़ेगी बाद में जब हम लोग हेयर्स बनाएंगे। सो गाइस हमने डायरेक्शन बना लिया। अब हम लोग लेंगे 4B पेंसिल और 4B हम लोग लेंगे 4B पेंसिल और 4B पेंसिल से सबसे गाइस एक हमें 4B पेंसिल से पहले HB पेंसिल लेनी है। यहाँ पे हम लोग पहले एक बार शेड कर लेंगे थोड़ा सा, एक लाइन बना के हम लोग यहाँ पे शेड कर लेंगे और उसे ब्लेंड कर देंगे। फिर गाइस हमें सबसे पहले थोड़ा सा शेड कर लेने हेयर्स को, ताकि बाद में जब हम लोग हेयर्स बनाए तब ज्यादा हार्ड ना पड़े। सो इसे ब्लेंड कर लेंगे। सो गाइस हमने ब्लेंड कर लिया। अब हम लोग लेंगे 4B पेंसिल और यहाँ से हम लोग शूट करेंगे हेयर्स। गाइस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ पे लाइट पोर्शन हमारा पड़ गए हेयर्स, सो हम लोग बाद में उसे डार्क करेंगे। अभी के लिए 4B से शुरुआत करते हैं। अगर ज्यादा लाइट हो गया 6B या 8B पेंसिल से हम लोग ठीक कर लेंगे। गाइस अगर आपको लंबे हेयर्स नहीं बना पा रहे, सो आप यहाँ पे छोटे छोटे बना सकते हो, उसके बाद उसी को नीचे कंटिन्यू ले जाइए, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बियर्ड में बताया था। और गाइस एक और बात कि हमारे जो हमने मेन हमने लास्ट वीडियो में जो हमने फर्स्ट वीडियो में आउटलाइंस बनाई थी, सो यहाँ पे जहाँ तक हमारे बाल आए थे वहाँ तक आप इन शीट्स को फोल्ड कर लीजिए, जैसे मैंने कर लिया है। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मैंने जैसे शीट को फोल्ड कर लिया यहाँ से, सो वैसे आप लोग भी फोल्ड कर लीजिए, ताकि हम लोग जब हेयर्स बनाए सो हमारे हेयर्स ऊपर ना चले जाए। सो ऐसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। गाइस हमें आउटलाइन से बाहर नहीं निकालने हैं हेयर्स, वरना खराब हो जाएंगे हेयर्स, तो हमें आउटलाइन से बाहर नहीं निकालने हैं।
सो गाइस हमने पहले यहाँ तक बना लिया। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, हमारा पेंसिल्स का कौन सी पेंसिल का कहाँ कहाँ काम होगा। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 8B पेंसिल। 8B पेंसिल गाइस हमें इस पोर्शन में काम पड़ेगा, या इन इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में हमारा 8B पेंसिल काम आएगा, और यहाँ से इतने पोर्शन में हमारा 6B पेंसिल, और यहाँ तक हमारा 9B पेंसिल यूज होगा। सो 9B मेरे पास अभी है नहीं, सो आई विल यूज 10B, या आप लोग के पास अगर 10B भी नहीं है, 8B है, सो 8B को आप डार्क यूज करेंगे इस साइड पे, और बाकी का हम लोग हेयर्स करेंगे 6B से। अगर ये चीज़ थोड़ी सी लाइट पड़ गई बाद में, तो हम लोग इसके ऊपर शेड करके हम लोग 6B पेंसिल से कर देंगे। सो हम लोग इसे आप ब्लेंड कर लेते हैं। हेयर्स बनाने के बाद गाइस ब्लेंड करना बेटर ज़्यादा रहता है, और अगर आप लोगों को ब्लेंड करना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो आप लोग पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको ब्लेंड अजीब लग रहा है तो आप सिंपली नेटेड इरेजर लीजिए, जैसे कि है नेटेड में बस छोटी अभी, सो नेटेड इरेजर लीजिए और यहाँ पे हेयर्स बना लीजिए, हेयर्स के वाइट पोर्शन बना लीजिए। गाइस नेटेड इरेजर का यही फायदा होता है कि वो हेयर्स के कुछ पोर्शन जहाँ डार्क हो जाए वहाँ हम लोग लाइट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, सो हम लोग यहाँ पे वापस थोड़े से हेयर्स बना लेंगे हल्के। अगर ज्यादा हो गया हो तो आप वहाँ पे जैसे मैंने अभी हेयर्स बनाया वैसे बना लीजिए, और फिर उसे हल्के हाथों से ब्लेंड कर दीजिए। गाइस कुछ जगह हमने, जैसे हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ जगह पोर्शन हमारे डिस्क्रिप्शन फोटो में लाइट है, सो हमें यहाँ पे नेटेड इरेजर से ऐसी ही उसे लाइट कर लेना है। गाइस अगर आपका ज्यादा हो गया हो कि ज्यादा लाइट हो गया, सो आप ब्लेंडिंग स्टम से उसे ब्लेंड कर लीजिए, वो फिर परफेक्ट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और हमारी कुछ आंखों के पास भी ऐसे ही है। सो गाइस हमारा ये सेकंड आई में भी हम लोग यही कर लेंगे। ये पिछली वीडियो में मैंने उस वक्त नहीं बताया क्योंकि उस वक्त मेरे पास नेट इरेजर थी नहीं, इसलिए उस वक्त हम लोग नहीं कर पाए। थर्ड वीडियो में मैंने लिया है, सो नेट इरेजर से हमने कर लिया जो काम था, ऊपर से थोड़ा सा कर लेंगे हम लोग रब। अब इसे कर लेंगे ब्लेंड। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारे ये पोर्शन डार्क करना है, और अगर नहीं बताया तो हम लोग अभी कर लेंगे डार्क। सो लीजिए हम लोग 8B पेंसिल लेंगे क्योंकि हमने लास्ट बार 2H से किया था शेड। गाइस ये पोर्शन इसलिए डार्क है क्योंकि यहाँ पे उनकी शेडो पड़ रही है, सो शेडो से थोड़ा सा डार्क हो रहा है फेस। गाइस हमें पूरा यहाँ पे नहीं करना वरना ज्यादा डार्क हो जाएगा, क्योंकि जब ब्लेंड करेंगे सो वो पूरे में फैल जाएगा। सो हम लोग को इसे थोड़ा स्ट्रांगली ब्लेंड करना है ताकि ज्यादा भी डार्क ना पड़ जाए। गाइस अच्छे से ब्लेंड करिएगा क्योंकि ज्यादा डार्क पड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और इसे स्किन में ही जोड़ दीजिए। गाइस यहाँ पे हमने जैसे नोज में यहाँ पे जोड़ा है, पर नोज ज्यादा डार्क हो गई, तो हम लोग नोज को इरेजर से मिटा लेंगे। अब उसे ब्लेंड कर लेंगे। सो गाइस हमारा फेस का हो गया, यहाँ पे सब ज्यादा डार्क हो गया हमसे, सो यहाँ पे लाइट कर लेंगे इसे। सो गाइस यहाँ पे हो गया हमारा, सो फेस का हमारा कुछ नहीं बचा है, हमारे नोज ईयर सब हो गए थे पहले पिछले वीडियो में। सो हम लोग हेयर से कंटिन्यू करेंगे, सो 4B पेंसिल लेंगे वापस और यहीं से बनाएंगे। सो गाइस यहीं तक हमारा 4B पेंसिल से बनाना था हमें। गाइस हम लोग जैसे जानते हैं कि प्रभास के बाल कुछ ज़्यादा डार्क हैं, सो हमें उसे डार्क ही रखना है, लाइट करेंगे तो पोर्ट्रेट खराब हो जाएगा। सो अब इसे भी हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। गाइस हेयर्स को हल्का हाथों से ब्लेंड करिएगा क्योंकि ज़्यादा लाइट होगा तो प्रॉब्लम पड़ेगी बाद में, क्योंकि हमने अगर वापस इसे बनाए तो ज़्यादा मेहनत लगेगी उसमें, और गाइस वीडियो भी लंबी हो जाएगी फिर। सो यहाँ तक हमें बनाए थे 4B पेंसिल से, अब हम लोग लेंगे 6B पेंसिल।
सीपी पेंसिल से यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे इस पोर्शन तक। सो गाइस ऐसे हमें कर्व ले जाना है। सो गाइस जैसे मैं देख रहा था वीडियो में, आप लोग मैं देखा स्क्रीन में देख नहीं रहे हेयर्स, तो मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। यहाँ से हमें कर्व में ले जाना है हेयर्स, यहाँ तक इस पर, यहाँ से हम यहाँ तक हमने बनाए थे 4B पेंसिल से, यहाँ तक बनाए थे, और फिर यहाँ से यहाँ तक हमने बनाने हैं 6B पेंसिल से, और यहाँ तक हमने कर्व ले गए हैं। सो गाइस आई होप आप लोग को अच्छे से दिख रहा हो। सो देख लीजिए आप, यहाँ से हमें 6B पोर्शन, ये था 4B पोर्शन, अब हमें यहाँ पे बनाना है 8B पोर्शन, यहाँ होगा हमारा 9B पोर्शन। सो हम लोग अब लेंगे 8B पेंसिल लेंगे, उसके बाद 8B पेंसिल से हम लोग यहाँ तक करेंगे। गाइस यहाँ पे जो का छोड़े उसको हमें 6B पेंसिल से ही करना था। गाइस अगर 8B पेंसिल के सामने थोड़ा सा लाइट पड़ जाए हमारी पेंसिल, तो हम लोग उसे वापस डार्क कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास या तो हम लोग 6B पेंसिल को डबल बार करेंगे, वरना मेरे पास 7B पेंसिल है नहीं, सो मैं उसके लिए भी 8B पेंसिल यूज़ करूँगा। सो सबसे पहले हम लोग 6B का जो यहाँ पे पोर्शन बचा था उसको कम्प्लीट कर लेते हैं, और गाइस 4B के लिए हम लोग 6B यूज़ करेंगे अगर 4B लाइट पड़ गया तो। गाइस सारे हेयर्स बढ़ने के बाद एक बार उन्हें ब्लेंड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हेयर्स को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे 8B पेंसिल से। गाइस अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टोन नहीं है तो आप लोग सिंपल पेंट ब्रश भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंपल हमारा ड्राइंग पेंट ब्रश भी नहीं है सो आप यहाँ ये सिंपल वाटर पेंट ब्रश यूज़ कर सकते हैं, इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। गाइस बस ये फ़र्क होता है, इसे थोड़ा सा टाइम लगता है ब्लेंड करने में, और थोड़ा सा लाइट ब्लेंडिंग होती है, इसलिए मैं तो आप लोग को प्रेफर करूँगा ब्लेंडिंग स्टोन, बट आपके पास अगर नहीं है सो आप उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ब्रश। गाइस ब्लेंडिंग स्टोन आप लोग खुद भी बना सकते हैं। सो देखिए हमारा एकदम 4B पेंसिल की तरह ब्लेंड हुआ है, पर ये 6B थोड़ा सा डार्क पोर्शन होना चाहिए, पर यहाँ पर लाइट हो गया है, तो हम लोग एक और बार 6B पेंसिल से बना लेंगे क्योंकि लाइट पोर्शन हो गया है। गाइस देखिए 6B इस पर काम नहीं करी, तो हम लोग 8B लेंगे इस पर और 8B से बनाएंगे। गाइस इस बार 8B को हल्के हाथों से लीजिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लगे ना कि हमने सेम यूज़ किया है, क्योंकि बाद में अगर चेंज करना हो तो हम लोग उस वक्त चेंज करेंगे, वरना डार्क हो जाएगा ये पोर्शन ज़्यादा। सो गाइज अब मैंने आपको ब्रश से करके दिखा दिया था एक बार, इसलिए लाइट हो गए हेयर्स, सो इस बार मैं ब्लेंडिंग स्टोन से ही करूँगा। सो ब्लेंडिंग स्टोन लीजिए, हमें ब्लेंडिंग स्टोन लेना है, इसे ब्लेंड कर लेंगे। गाइज अगर आपके पास अलग कंपनी जैसे मोनो कंपनी का है सो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छी कंपनी के पेंसिल्स हैं, बस ये फ़र्क होगा कि हम लोग जो कैमलिन यूज़ कर सकते हैं करते हैं वो थोड़ी सी लाइट है, सो वो बिगनर्स के लिए बेटर रहेगा क्योंकि बिगनर्स के लिए वो बेस्ट है, और जो प्रोफेशनल है जो हम लोग जो बहुत अच्छे स्केचेस बनाते हैं वो मैं प्रेफर करूँगा मोनो पेंसिल ही यूज़ करें। सो देखिए हमारे जैसे यहाँ पे लग रहा है ज़्यादा डार्क, इस पोर्शन को हमारा डार्क लग रहा है, मैं जैसे वीडियो में देख पा रहा हूँ ये थोड़ा शाइन हो रहा है, सो मैं यहाँ पे ले आता हूँ। गाइज वो शाइन हो रहा है बट मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिंपली वैसे ही करना है, डार्क ज़्यादा पोर्शन हो गया शायद, सो हमें बाकी के पोर्शन को 6B पेंसिल से करना है 4B को, क्योंकि गाइज हमारे स्टार्टिंग के हेयर्स तो थोड़े से लाइट होंगे, स्टार्टिंग के हेयर्स डार्क नहीं होंगे। गाइज मैंने इसी वजह से अभी पूरे हेयर्स नहीं बनाए हैं,
क्योंकि अगर मैंने अभी पूरे हेयर बनाना नहीं करता तो दूसरी चीजें नहीं बन पाती। और गाइस अगर मैं आपको देख ले, मैं एक बार देखता हूँ, अगर हो सके तो मैं इसी वीडियो में पूरे हेयर्स खत्म कर लूंगा। फिर हम लोग अगली वीडियो में ईयर्स और नेक सीखेंगे। पार्ट 4 भी मैं डालूंगा गाइस आज ही, पॉसिबल हुआ तो। गाइस यहाँ पे आउटलाइन के हिसाब से हमें चलना है। गाइस जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कर्व था, तो हमें यहाँ से हमें कर्व में ले जाना है यहाँ पे। और थोड़े से बाल बाहर निकालिए गाइस ताकि रियलिस्टिक लगे यहाँ से भी। गाइस जितने डार्क हो सके 6B से उतना कीजिए ताकि थोड़ा सा मैच करे 8B पेंसिल के पास से, अलग ना लगे, लाइट ना लगे अलग से। सो गाइस जैसे मैं हम लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे पूरा डार्क कर लिया है, पोर्शन नीचे शाइन कर रहा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। सो इसको ब्लेंड कर लेंगे हम लोग, हल्के हाथों से ब्लेंड करिएगा गाइस क्योंकि ज़्यादा लाइट होगी तो प्रॉब्लम पड़ेगी, हल्के हाथों से ही ब्लेंड करिए। गाइस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में हमारे कुछ बाल यहाँ पे भी निकले हैं। सो यहाँ पे हम लोग मोनो इरेजर लेंगे और यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। और यहाँ पे हम लोग HB पेंसिल लेंगे और HB पेंसिल से हम लोग यहाँ पे हल्के हेयर्स बनाएंगे। और गाइज हम लोग उसको ब्लेंड कर लेंगे। गाइज इसके लिए आप बहुत हल्के हाथों से ब्लेंड करिएगा और सबसे पतले ब्लेंडिंग स्टोन से कीजिएगा ताकि बाल छिप ना जाए। सो गाइज जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने बनाया, यहाँ पे थोड़ा डार्क हो गया, सो उसको अच्छे से ब्लेंड करिए ताकि लाइट हो जाए। सो गाइज हमने बना लिया, फिर हमारे यहाँ के इतना पोर्शन हो गया। सो गाइज अब हम लोग आगे के बनाते हैं। सो आगे के लिए हमें अब लेनी पड़ेंगे 9B पेंसिल। सो 9B तो मेरे पास नहीं है इसलिए मैं 10B यूज़ करूँगा। सो 10B से हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। गाइज 10B को ज़्यादा डार्क में मत यूज़ करिएगा, हल्के हाथों से यूज़ करिएगा क्योंकि ज़्यादा डार्क यूज़ किया सो बहुत डार्क हो जाएंगे हेयर्स और वो शाइन मारेंगे और आप लोग को अच्छे से दिखेंगे भी नहीं लाइट में। गाइज मैं अभी इसलिए इसी वजह से मैं लाइट ना हल्के हाथों से यूज़ कर रहा हूँ 10B पेंसिल को, ताकि 8B पेंसिल से थोड़ा मैच करे, क्योंकि यहाँ पे हमें यूज़ करनी चाहिए 9B पेंसिल बट मेरे पास है नहीं अभी लॉकडाउन में, सो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। गाइस इस हमें यहाँ तक बनाना है बस हेयर्स 9B पेंसिल से, बाकी हम लोग वापस 4B और 6B से करेंगे। सो हमने गाइस यहाँ पे हमने हेयर्स बना लिए हैं हम लोग। जब मैं अभी देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़े से हमें यहाँ पे डार्क पोर्शन, पहले हम लोग 9B पेंसिल लेंगे, यहाँ पे जो हमने लगाया था मास्किंग टेप उसको पहले हटा लेंगे आराम से ताकि शीट टियर ना हो जाए। सो गाइस हमने मास्किंग टेप हटा लेनी है, उसके बाद हमें यहाँ पे शेडिंग करनी है कोने में ताकि थोड़ा सा डार्क है। 9B पेंसिल से ही करिएगा यहाँ तक ईयर तक। गाइस हल्के हाथों से कीजिएगा 9B पेंसिल, अगर हो 10B पेंसिल तो बहुत हल्के हाथों से कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हमने अगर डार्क किए तो बाल जब दिखेंगे तो वो अच्छे से नहीं लगेंगे। गाइज मेरा शीट कार्डबोर्ड पे, सो उसका अलग कार्डबोर्ड का डिज़ाइन आ रहा है। आप सिंपल प्लेन किसी भी शीट पे रखिए, मेरा कार्डबोर्ड भी इसलिए ऐसा डिज़ाइन आ रहा है, उसको ब्लेंड करने के बाद वैसा नहीं होगा, उसे हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। गाइस इसे हम लोग डार्कली ब्लेंड करने से बड़ा ब्लेंडिंग स्टम लेंगे, ऐसे डार्कली ब्लेंड कर लेंगे। गाइस हमने ब्लेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए कि हमारे बाल जब बने वो पीछे के, क्योंकि डार्क हैं सो हमें पीछे के डार्क रखने हैं। सो गाइस हमने ब्लेंड कर लिया। गाइस मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि हमारे जो डिस्क्रिप्शन फोटो है यहाँ पे हमने थोड़ा स्ट्रेट बना लिया
हम लोग इरेजर से मिटाएंगे इस पोर्शन को पहले तो। गैया पे हमें स्ट्रेट नहीं बनाना था, हमें यहाँ पे थोड़ा सा कर्व बनाना था, तो एच बी पेंसिल लेंगे और एच बी पेंसिल से हम इसे कर्व कर लेंगे थोड़ा सा। सो हम लोग गाइज मेरा शीट थोड़ी सी हिल रही है, उस पर वापस टेप लगा ले रहा हूँ, क्योंकि गाइज मैंने अभी प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया है, क्योंकि उस वक्त मेरी कार्डबोर्ड पे थी और जब मैं कार्डबोर्ड पे शेड कर रहा था कार्डबोर्ड का टेक्सचर आ रहा था और वो ख़राब कर देती है ड्राइंग, इसलिए मैंने एक काम उसके बाद मैंने हटा दिया। हेयर जब हम लोग बना रहे थे तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उसके बाद जब शेड कर रहे थे तब हमें प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैंने हेयर्स के लिए मैंने कार्डबोर्ड हटा दिया। और यहाँ पे हम लोग मास्किंग टेप वापस लगा देंगे ताकि हिले ना। सो गाइस यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे शेड कर लिया, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे चेंज करना था। सो हम लोग यहाँ पे लेंगे वापस एच बी पेंसिल, यहाँ पे शेड कर देंगे। गाइस आपकी वो मर्जी होगी कि आप डार्कली शेड करना चाहें या लाइटली, मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि आप लाइट ही शेड करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम डार्क हो गया था ज़्यादा, इसलिए लाइट ही शेड करिए। अगर गाइस डार्क हो जाए तो आप यहाँ पे पूरे में मिक्स कर दीजिए और यहाँ पे एक आउटलाइन वापस कर दीजिए ऐसे। हाँ सो गाइस हमारा ये हो गया, उसके बाद हमें यहाँ पे जो मैंने आपको करवाया था ब्लेंड, वो हम लोग अब आगे करेंगे। सो गाइस ये पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए मैं आपको पार्ट थ्री में सिखाऊंगा। जैसे आपको बताया था मैंने हाफ ईयर्स अभी करवाऊंगा, हाफ ईयर्स पार्ट थ्री में। हम लोग अब जल्दी मिलेंगे पार्ट फोर में, और पार्ट फोर में आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट हेयर्स और ईयर्स, इयरिंग और नेक। सो बाय, ड्राइंग करते ये, स्टे सेफ, बाय।